स्वागत है आप सभी का JNT ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास जो स्पेशली होने वाली है हाफ़ ईयरली सीरीज़, क्योंकि हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और अब पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा परेशानी ये आती है कि बच्चा तो ट्यूशन में चलो पढ़े आता है, ट्यूशन में चला गया, स्कूल में पढ़ाया, लेकिन घर पे बच्चे नहीं पढ़ते और पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, और अगर हम पढ़ाने बैठे तो उनको एग्ज़ाम की तैयारी कराएँ कैसे, क्या याद कराएँ। तो उस समय जो चीज़ें समझ नहीं आती, तो उसके लिए आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले बच्चे की नोटबुक उठाइए, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है। सपोज़ आपको मैथ्स पढ़ाना है, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, तो ये चेक करिए कि उनकी ना लास्ट में, हमेशा चैप्टर के लास्ट में ना रिविजन्स होती हैं, जहाँ पे चैप्टर्स का सिलेबस ख़त्म हो जाता है वहीं से रिविजन स्टार्ट हो जाती हैं। सारे स्कूल्स तो आई थिंक नहीं कराते, लेकिन मैक्सिमम स्कूल्स कराते हैं रिविजन्स, या फिर जो टेस्ट हुए होते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस टीचर रिविजन्स में कराते हैं और टेस्ट में कराते हैं, काफ़ी हद तक या तो क्वेश्चंस वही आते हैं या उसी पे बेस्ड आते हैं। तो आपको जो सबसे पहली प्रैक्टिस करानी है वो करानी है रिविजन्स की। बुक्स या चैप्टर्स को अभी स्टार्ट आप मत करिए। अगर आप बच्चे को इंस्टेंट रिविज़न कराने बैठे हैं तो बुक्स की आप अभी मदद मत लीजिए, आप चैप्टर्स की मदद मत लीजिए, जो रिविजन्स उठाइए और रिविजन्स में से आप इस तरह से एक वर्कशीट बना के दे दिए, जैसे बिल्कुल जो टेस्ट में कराया हुआ है टीचर्स ने, वही टेस्ट के क्वेश्चंस आप बच्चे को एक नोटबुक में लिख दीजिए, क्वेश्चन एक वर्कशीट के फॉर्म में, जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मैं आपको दिखा सकती हूँ। असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, जितना भी जो कंबाइंड एक फॉर्मेट होता है, जिस जैसे क्वेश्चन पेपर आते हैं, क्वेश्चन पेपर में कंबाइंड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब पांच छह चैप्टर्स के एक साथ, आपको वर्कशीट भी ऐसे ही बनानी है पांच छह चैप्टर्स का एक साथ। वो आप खुद से अगर ना बना पाएँ तो उसके लिए आपको टेस्ट या रिविजन्स की हेल्प लेनी है। तो जब बच्चा पूरा करके दिखाएगा तो फिर आपको एक एक स्पेलिंग चेक करनी है अच्छे से, एक एक स्टेप आप अच्छे से देखिए। बच्चों की रिविजन्स जो होती हैं या फिर जो आप टेस्ट बना के दे रहे हैं बच्चों को, उसको चेक करने में बिल्कुल भी आलस मत करना, बिल्कुल भी नहीं कि अभी कुछ ज़रूरी काम है, अच्छा बाद में चेक कर दूँगी। तो यहाँ से क्या होगा, बच्चे का जो एक करने का जज्बा है ना कि हाँ देखो मैंने तो करके दिखाया लेकिन मम्मी ने चेक नहीं कराया, पापा ने देखा ही नहीं कि मैंने क्या किया है, तो वो दोबारा करने की कोशिश भी नहीं करते। तो वो फिर हल्के में लेते हैं पेरेंट्स को कि मम्मी तो चेक करेगी नहीं, पापा तो चेक करेंगे नहीं, तो कुछ भी लिख देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आप सीरियसली चेक करते हैं उसका, एक एक क्वेश्चन एक एक आंसर ढंग से अगर चेक करेंगे, तो वो हर क्वेश्चन को सीरियसली अटेम्प्ट भी करेगा। क्योंकि मैथमेटिक्स जो होती है ना, मैथमेटिक्स मांगती है प्रैक्टिस। बच्चा जितनी प्रैक्टिस करेगा उतनी ही मैथ स्ट्रांग हो जाएगी। चार चीज़ें सबसे बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ये चार चीज़ अगर आती हैं, उससे पहले टेबल्स, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद अगर कुछ है टेबल्स, यानी कि 2 से लेके एटलीस्ट 10 तक तो आनी ही चाहिए। अगर बच्चा सेकेंड में है या थर्ड में है तो 10 तक तो कन्फर्म आनी चाहिए, उसके बाद थर्ड या फोर्थ। टेबल्स कभी भी ऐसे बैठ के आप रिवाइज़ मत कराइए, चलते फिरते भागते दौड़ते ऐसे रिवाइज़ कराइए बच्चों को, खाना बनाते हुए टेबल सुन लीजिए। इस तरह की छोटी छोटी टेक्निक्स अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो बच्चों का पढ़ाई में भी मन लगेगा, खेल खेल में टेबल्स याद हो जाएंगे, बहुत सारे कंसेप्ट बच्चों के मैथमेटिक्स के ऐसे ही क्लियर हो जाते हैं। कुछ ये तरीके अपनाइए जिससे कि बच्चों के मैथ्स भी स्ट्रांग बने। हर चीज़ को लिखवा के देखने की ज़रूरत नहीं, बच्चों को ऐसे भी आप दे सकते हैं क्वेश्चंस। आप जैसे यहाँ पे एडिशन का पैटर्न देख सकते हैं किस तरह का है, तो इस तरह से आप करवा सकते हैं। आप इस तरह से कराइए बच्चों को, इस तरह से रिविजन। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।